Assalamu alaikum, welcome to the computer class. Sir Moeen is here. Our fourth chapter is arrays. Dear students, aaj hum definition padhenge. Define 2D array, yani two dimensional array with example. According to your textbook, page number 57, aapko highlighted areas nazar aa rahe hain. Start se reading kare 4.2.3 two dimensional array, yani 2D array. The two dimensional array consists of rows and columns. It is also called table or matrix. टू डायमेंशनल अरे कितारों और कालमों पर मुश्तमिल होता है, इसे टेबल या मैट्रिक्स कहते हैं. मैट्रिक्स को उर्दू में कालम पढ़ा जाता है. चंद लाइनें छोड़ने के बाद आपको हाईलाइटेड लाइन दिखाई दे रही है. द जर्नल सेंटेक्स टू डिक्लेयर टू डायमेंशनल अरेज लाइन नंबर डी आई एम कैपिटल फॉन्ट में अरे वेरिएबल आगे ब्रैकेट में आर ओ डब्ल्यू रो कॉमा सी ओ एल कॉलम को मैंशन करता है. इसी के नीचे आप लोगों को टेबल दिखाई दे रहा है जिसमें डिफरेंट किस्म के कॉलम और रो बने हैं. इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को अलग-अलग पेज का इस्तेमाल करूंगा. एक बॉक्स बना लें जिसमें आपने 0, 1, 2, 3 यानी कि चार रोज बनानी है, 0, 1, 2 और तीन कॉलम्स बनाने हैं. इस बॉक्स में आर स्लैश सी मैंशन कर रहा है रो और कॉलम्स को. रो कहते हैं जो आपकी हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं और कॉलम कहते हैं वर्टिकल लाइंस को. उस टेबल को देखने के बाद आपने उस टेबल की पहली एंट्री जहाँ पे 00 मेंशन किया जा रहा है वहाँ पे वैल्यू पुट कर लेनी है A00. ये जो 00 है, 10 इस तरफ से, 10 इस तरफ से, यानी एक रो का एक कॉलम का. उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर होगा कि दूसरे कॉलम में आपने एंट्री पुट करनी है R यानी कि रो की, उसके बाद 01 कॉलम का, उसके बाद नेक्स्ट 0 रो का और 2 कॉलम का. यह आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ किया है, तो एक और टेबल नीचे बनाया है यानी कि A1 ये वाला 0 इस तरफ, इधर से 2 ये वाला लिखेंगे रो का यानी कि, और 0 कॉलम वाला. आप लोगों का जो लास्ट वाला रो है जिसको रो नंबर 3 कहा गया है, पहले रो और उसके बाद कॉलम. इसी मुनासबत से हम लोगों ने रो और कॉलम को कम्प्लीट मिक्स करते हुए आपस में उनके अटैचमेंट लगाते हुए मुकम्मल तौर पर टेबल तैयार कर लिया है. किताब का पेज आपके सामने दिखाई दे रहा है. इस पे एक लाइन मेंशन की गई है, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अबव ए आर 4 × 3 इज इक्वल्स टू 12. अब आपके सामने टू डायमेंशनल अरे का टेबल मौजूद है जिसकी एग्जांपल मैंने लिखी हुई है. आपको रो में 2, 4 और 6 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने 12 का जिक्र किया है. स्क्रीन पर मौजूद अब आप लोगों को थोड़े और बॉक्स हाईलाइटेड दिखाई दे रहे हैं यानी कि 6 पहले वो हो गए थे, 6, 2, 8, 2, 10 और 2, 12 यानी कि टू डायमेंशनल अरे में ए की वैल्यू 4 × 3 12 है. डियर स्टूडेंट्स, आज के काम को साफ सुथरी लिखाई में नोट करें और याद करने के अमल को यकीनी बनाएं. इस एग्जांपल के अगर किसी बच्चे को समझ ना आए तो वो व्हाट्सएप करके पूछ सकता है. खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.